सत्र 2021-22 में महिला महाविद्यालय बांदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष की परीक्षाएं आने वाली हैं और इसी के मद्देनजर हम कुछ ऐसे विचारक हैं जिनके बारे में आपको और मुख्यतः विचार विमर्श करेंगे और उनमें जो नाम आता है अपना वो आता है कामना। वैसे तो मैंने कालमार्क्स के बारे में आपको पूर्व में भी अध्ययन करवा दिया था, परंतु अपन एक बार और इनके जो विचार हैं उनको सूक्ष्मता के साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसी फोकस करना होगा कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब। तो 1818 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। जब हम इनके विचारों की बात करते हैं तो इनके जो विचार हैं वो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, स्पष्ट किए गए हैं और उन प्रमुख ग्रंथों में जो इनका ग्रंथ आता है वो तो एक तो आता है दास है। संघर्ष का सिद्धांत, इसके ऊपर थोड़ा फोकस डालेंगे कि वर्ग संघर्ष
तो निश्चित रूप से वहां पर वर्ग संघर्ष देखा जाता है। अर्थात वर्ग संघर्ष आर्थिक द्वंद्व की बाहरी अभिव्यक्ति है। ये जो आर्थिक द्वंद्व उसके अंदर चल रहा हुआ होता है कि विपल वर्ग के, और जब ये उसको तोड़ता है तो निश्चित रूप से ये आर्थिक द्वंद्व जब बाहर आ जाता है तो वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। दूसरा काल मार्क्स का ये मत था कि वर्ग संघर्ष को इतिहास से समझा जा सकता है। जब हम इतिहास को उठाकर देखें तो काल मार्क्स साहब ने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कुंजी है, और इस इतिहास रूपी कुंजी से हम वर्ग संघर्ष को समझ सकते हैं। प्रारंभ में आदिम अवस्था होती है, उसके बाद में दास अवस्था आ जाती है, इस दास अवस्था में भूदास और भूस्वामी हो जाते हैं, फिर तीसरी अवस्था सामंती अवस्था आ जाती है, इसमें सामंत और किसान हो जाते हैं, उनके बीच में संघर्ष चलता है, फिर उसके बाद में पूंजीवादी अवस्था आ जाती है, और ये जो पूंजीवादी अवस्था है इसमें पूंजीपति और श्रमिक हो जाते हैं, जो वर्तमान में बड़े बड़े उद्योग हैं उन पे पूंजीवादियों का स्थायित्व है, और बहुत सारे जो मजदूर हैं वो उद्योगों में कार्य करते हैं, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उनका शोषण होता है, और फिर वो मजदूर एक होकर और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यहाँ काल मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो वर्ग संघर्ष होता है ये मनुष्य के द्वारा जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी निकलना चाहिए। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष होता है ये उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से होता है। यहाँ काल मार्क्स साहब का ये कहना था कि जब जब भी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से नए समाज का जन्म होता है। अर्थात जब उत्पादन के साधन नए आते हैं तो समाज की अवस्था भी नई देखने को मिलती है। आदिम अवस्था थी, लेकिन जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया तो दास अवस्था थी, फिर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया तो सामंती अवस्था थी, फिर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया तो पूंजीवादी अवस्था थी। ये जो सारा वर्ग देखने को मिलता है ये उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के कारण देखने को मिलता है। अतः उत्पादन के साधनों से ही समाज में परिवर्तन आता है, और उत्पादन के साधन हैं वो नए समाज की दाई होते हैं। फिर मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो वर्ग संघर्ष है ये एकाएक नहीं आता, सबसे पहले इसके जो साधन होते हैं वो हिंसा ही नहीं अपितु धरना, प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल आदि के रूप में होते हैं, लेकिन जब ये विफल हो जाते हैं तो फिर हिंसक क्रांति जन्म ले लेती है, और हिंसक क्रांति के माध्यम से ही जो एक वर्ग है अर्थात विपन्न वर्ग है या शोषित वर्ग है वो शोषक वर्ग या संपन्न वर्ग के सामने क्रांति कर लेता है। वर्तमान जो पूंजीवादी अवस्था है इसमें वर्ग संघर्ष को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि आज जो मजदूर हैं उनकी छटनी होने लग गई, आज नई मशीनीकरण होने लग गया, और अब उस मशीनीकरण से जो मानव है उनकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और इस वजह से जो उद्योगपति होता है वो बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा जो मजदूर होता है या कारीगर होता है उसका वो शोषण कर लेता है। हम जो और भी बड़े देशों में देखते हैं, विकसित समाजों में देखते हैं, तो आज औद्योगिकरण समाज बन चुके हैं, और औद्योगिकरण समाजों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ काल मार्क्स साहब के जो विचार हैं उनकी आलोचना भी हुई है। आलोचना स्वरूप ये कहा गया है कि जो वर्ग काल मार्क्स साहब ने वर्ग संघर्ष की जो बात की है, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और बदलती हुई परिस्थितियों में आज जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिक संगठनों के माध्यम से श्रमिकों के हितों को देखने लग गया है।
उन्होंने केवल हिंसा की बात की है, जबकि शांतिवादी तरीकों के माध्यम से समस्याओं का समाधान अब वर्तमान पूंजीवादी समाज में होने लगा। तीसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। अब यह विश्व में जितने भी जो मजदूर हैं उनकी समस्याएं अलग अलग हैं, और विश्व के मजदूरों एक होकर और वो क्यों अपने उस मालिक के विरुद्ध क्रांति करेंगे जो मालिक उनका भरण पोषण कर रहा है, जिनसे उनकी घर गृहस्थी चल रही है। चौथी बात जो आलोचना स्वरूप आती है वो ये कि आज वर्तमान समय में हम देखते हैं तो काफी हद तक जो पूंजीपति वर्ग है, इस पूंजीपति वर्ग ने अपने आप को मजदूरों के हित स्वरूप समायोजित कर लिया है। वो उनकी भावनाओं को समझता है, वो उनकी परेशानियों को समझता है, वो उनकी चिंताओं को समझता है, और ऐसी स्थिति में काफी हद तक वो फ्लेक्सिबल हो चुका है, क्योंकि मजदूरों के बिना किसी भी रूप में उद्योगों को चलाना असंभव है। तो इस रूप में जो पूंजीपति है, वो पूंजीपति जब मजदूरों के हितों को देखने लग गया तो मजदूर वर्ग इसके संबंध में क्यों क्रांति करेगा। यहाँ अंततः ये कहा जा सकता है कि जो कार्ल मार्क्स साहब हैं वो आधुनिक युग के अर्थात पूंजीवादी समाज के समाजवादी चिंतक हैं, और ये जो समाजवादी चिंतक हैं तो उनकी ये कल्पना थी कि एक समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए, और समाजवादी समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब वर्ग न हो, और वर्ग न हो इसके लिए उन्होंने जो अपने विचार हैं वो दास कैपिटल में दिए, और ये कह दिया उन्होंने कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के माध्यम से ही जो सर्वहारा वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेगा, और इस प्रकार से शोषण का अंत होगा और एक समाजवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। परंतु ये असंभव रहा उनका ये विचार। आज भी वर्तमान जो हम औद्योगिकृत समाजों को देखते हैं तो वो सही तरीके से चल रहे हैं, पर भविष्य में भी उस सही तरीके से चलेंगे। तो उनका ये बिलीव था कि पूंजीपति वर्ग का विनाश होगा और सर्वहारा वर्ग की विजय होगी, ये एक कल्पना ही सिद्ध हुई। वर्तमान समय तक तो वो किसी भी रूप में वास्तविकता में या यथार्थ में परिणत नहीं होगा।